है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग सब कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे, मैं तो यही दुआ करती हूँ। और मेरा टीटू अभी तक सो रहा है, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे मैं उठाऊँगी अभी जाके। और मेरा आधा काम हो चुका है, आधा बचा है। मैं अभी खाना बनाना है मुझे, मैं अब नहाने जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। पहले तो मैं काम निपटाऊँगी, तो उसके बाद आप लोग बने रहिए। और प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए ना, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो चलिए आती हूँ, चलिए देखिए आप लोग भी मैं कैसे सो रहा है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। उठ जाओ, सब देख रहे हैं, गंदा बॉय बोलेंगे, उठ जाओ। अब मैं उठा लेती हूँ, आधा उठ गया है, अब उठ जाएगा वो। तो चलिए आप लोग। हाय गाइस, अभी मैं नहा के निकली हूँ और टीटू को ब्रेकफास्ट सब करा दिया है। और अभी मैं खाना बनाने जाऊँगी, मेरा पूजा भी हो चुका है। ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। आज मैं बनाऊँगी स्पेशल चिकन 65 बिरयानी, जो आप लोग उसकी रेसिपी दिखाऊँगी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए गाइज, ये है चिकन, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इसे मैरिनेट करेंगे। और ये है चॉप किया हुआ ऑनियन, ये स्लाइस ऑनियन है, इसको बरिस्ता बनाएंगे। और ये है करी पत्ता, और ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये हरी मिर्च है। और ये टोमेटो, और ये है केचप है शेजवान चटनी, ये है रेड चिली सॉस, ये विनीगर, और ये सोया सॉस एक एक चम्मच। और ये है केवड़ा वाटर, और ये है रोज़ वाटर, ये देखिए। और ये है दो छोटे वाले हैं, एक है बिरयानी फ्लेवर, और ये है मीठा आतुर। और ये है मसाले, ये है लाल मिर्च लगेगा, नमक लगेगा, और धनिया लगेगा, और टर्मरिक लगेगा। और ये है कॉर्नफ्लोर। अब इतने सारे सामान लगेंगे हमें। अब है कढ़ाई बैठा दिया है, अब ये गर्म हो जाएगा तो इस पर तेल डाल के हम फ्राई करेंगे चिकन, और इस पर ग्रेवी बनाएंगे। और यहाँ मेरा राइस हो रहा है, ये देखिए। अब ये मैरिनेट कर दिया मैंने, आधा किया है। इसमें नमक हल्दी मिर्च डाल दिया है, और अभी शेजवान चटनी एक चम्मच, रेड चिली सॉस एक चम्मच, सोया सॉस आधी चम्मच, और विनीगर भी आधी लेंगे, और पेस्ट लेंगे अदरक लहसुन का। और ये है रेड फूड कलर, ये देखिए। अब इसे मिक्स करेंगे सबको, ताकि इसके अंदर नमक और मिर्च अच्छे से चला जाए, सारे फ्लेवर चले जाए। अब इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे, चार से पाँच चम्मच, आपकी चिकन जितनी भी उस हिसाब से आप मिला लीजिएगा। जैसे मेरा इसमें होगा आधा किलो या एक किलो के करीब होगा, मैंने उतना देखा नहीं था, उस हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। ये मेरा चिकन, अब मैं पहले ग्रेवी के लिए, पहले बरिस्ता के लिए मैं ऑनियन डालूँगी थोड़ा सा, इसको फिर फ्राई करके फिर उसे निकालूँगी, फिर ग्रेवी बनाऊँगी उसमें। और यहाँ मेरा गरम हो रहा है तेल, और ये मैं राइस निकाल ले रही हूँ, मेरी राइस हो चुकी है। अब इसमें मैं चिकन डालूँगी, देखिए। अब धीरे धीरे करके सारे चिकन डालूँगी जितना आ सके। मगर गाइस, मैंने गलती कर दी थी कि मैंने छोटे बर्तन ले लिए, आप बड़े बर्तन ले लेना फ्राई करने के लिए, तो उसमें अच्छा फ्राई होता है। क्योंकि ये जो लेग पीस, इस टाइप के जो हड्डी वाले पीस होते हैं, वो अच्छी फ्राई होती है, क्योंकि उसे अच्छे फ्राई करना पड़ता है। और यहाँ मैं बरिस्ता का भी प्याज मेरा हो गया है, अब मैं इसमें ग्रेवी बनाऊँगी, ये देखिए। ये इसमें चॉप ऑनियन डाली, अब इसमें सारे में एक ही साथ ही मिलाऊंगी मैं, अलग से कोई मतलब पैन लेके उसमें सॉस, चिली सॉस, शेजवान चटनी ये सब नहीं मिलाऊंगी मैं, इसी में ही कर दूंगी। उसको अलग से करना पड़ता है उसके बाद, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तो दोपहर का लंच है इसीलिए। अब एक चम्मच नमक, ये छोटे चम्मच का, और एक चम्मच ये लाल मिर्च, थोड़ा कोरिएंडर एक चम्मच, और हल्दी एक चम्मच, ये सारे को मिलाना है। अगर आपके पास जीरा पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि 65 में कड़ी पत्ता सबसे मेन होता है, और दही भी मेन होता है। ये रेड कश्मीरी लाल मिर्च है ये, इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल रही हूँ खड़ी,
और ये है बिरयानी मसाला, ये कोहिनूर का है। आपको कोई भी शॉप में, कोई अच्छे मतलब मॉल वॉल में या कोई अच्छी शॉप में मिल जाएगी आपको। ये शेजवान चटनी में पूरा डाल दूंगी। ये टोमेटो रेड चिली सॉस है, ये टोमेटो केचप भी है उसमें, और ये थोड़ा विनीगर डाल दे रही हूँ जितना बचा था, और सोया सॉस भी डालूँगी मैं। इसको अलग से करना पड़ता है मगर मैं इसको एक ही साथ कर दे रही हूँ। तो ये है मेरा ग्रेवी। अब इसमें मैं चिकन डालूँगी, नहीं पहले दही डालूँगी, सॉरी पहले दही डालूँगी फिर चिकन डालूँगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर है। और दही डालने के समय आप लोग गैस को ऑफ कर लीजिएगा ना तो दही फट जाएगी। ये देखिए मेरा चिकन गाइस यमी दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर लहसुन और लाल मिर्च का चटनी बनाऊँगी। तो ये देखिए उसको थोड़ा फ्राई भी करूँगी ऑयल में। ये मेरी बिरयानी हो रही है। मैं इसका लेयर नहीं दिखा पाई गाइस क्योंकि मेरा स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन का। देखिए यम्मी दिख रहा है। आइए आइए आप लोग सबको इनवाइट करती हूँ। देखिए गाइस बहुत टेस्टी बना है, दिख भी रहा है ऐसा ही। दिखा दो कहाँ कट गया, दिखा दो कहाँ कट गया हाथ में। तुम क्या कर रहे हो? उनको उस गाड़ी ही दिखता है। गाड़ी बोलो, कोई किताब, बुक बोलो, बुक्स। कहाँ छुप रहे हो, कहाँ छुप रहे हो टिट्टू? देखो देखो सब देख रहे, आ जाओ बाहर आओ। देखो गाइस मेरा बेटू बन गया है चूहा, छोटा सा चूहा बन गया है। देखो 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 देखो, हमने खाना खा लिया है और बहुत टेस्टी बनी थी। थोड़ा सा नमक ज़्यादा था, बाकी बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग भी ऐसे बने। और बीच में लेयर डालते टाइम थोड़ा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो उसके लिए मुझे दिल से खेद है कि मैं उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अभी इस टीचर के पापा वहाँ पर आसन में बैठे हैं और खाना खा के वो आसन पर बैठते हैं और हम लोग मस्ती कर रहे हैं। मैं टीटो, ये देखिए इसकी शैतानी देखिए आप लोग। क्या कर रहे हो टीटो? कम कम है, नहीं है कम। चलो आ जाओ, चलो आओ उधर आओ। तो गाइस टीटो भी सो के उठा है, हम भी थोड़ा सा वो कर रहे थे, लेटे थे बेड पे। आ जाओ इधर। तो अभी उसको मैं खिलाऊंगी, इसको दूध भात बोलते मतलब भात चावल और दूध को पीस के मैं थोड़ा सा चीनी नमक मिला के उसको खिलाते हैं। ये हमारे बंगालियों में बहुत खाते हैं। बाहर का मेरे को आए, आइए आप लोग भी पी लीजिए, चाय पार्टी करते इसी बहाने में। ये उसका खाना, ये चाय। टीटो नहीं, नो, फिर गंदा। हॉर्स चलाता है टीटो। अच्छा उसको कंघी करके दे रहे हो, तो खाना नहीं खिलाओगे इसे? तो गाइस अब हम जा रहे हैं ससुराल। और टीटो देखो क्या बदमाशी कर रहा है, मेरे जैकेट में चॉकलेट खोज रहा है। मेरे जैकेट में चॉकलेट नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी कोई चॉकलेट नहीं है। तो उसमें ये जब आएंगे 10 बजे तभी मैं इनके साथ ही आऊँगी और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। प्लीज़ बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी, चिकन बिरयानी 65 चिकन बिरयानी कैसी लगी आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट में लिखिए प्लीज़। आप लोगों से बोल बोल के थक गई हूँ मैं। और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कुछ तो कमेंट कीजिए अच्छा, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो कमेंट अच्छा कीजिए, यानी कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये भी बताना।
और प्लीज़ बताना जितने भी आप देखते हो, जो फर्स्ट टाइम आया है मेरे चैनल में उसको वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, और जो मेरे पहले से है व्यूअर्स है उनको ज़रूरत नहीं है, वो बस लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। टीटो यहाँ पर उनके साथ जा रहा है, मेरे नंदलों अपने घर जा रहे हैं, तो टीटो घर नहीं आ रहा है। मैं बोली चलो घर चलो, नहीं वो घर के अंदर नहीं आएगा, वो उनके साथ जाएगा। तो फिर उसको फिर मैंने बहला फुसला के बोला चॉकलेट दूंगी करके, फिर उसने आ गया। तो बाकी